हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीम आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज का जो एपिसोड है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का जो एपिसोड है इसमें मैं पौधों की प्रूनिंग के बारे में बताऊंगा, साथ ही पौधों में जो साफ़ सफाई है वो किस तरीके से आप करेंगे, कौन कौन से भाग को साफ करना चाहिए, कूड़े को कैसे आप मैनेज करेंगे, सभी चीज़ों को डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरी तरीके से एक एक दृश्य को अगर आप देखेंगे तो अलग अलग पौधों में किस तरीके से प्रूनिंग की जाती है और कैसे साफ़ सफाई की जाती है तो वो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। दोस्तों, कई बार मिलीबग की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है और पानी का स्प्रे करना भी वहाँ पर संभव नहीं होता, जैसा कि मेरे इस पौधे के साथ था। और ये फूलों का पौधा है तो इसमें बहुत ज़्यादा मिलीबग हो गए थे, तो मुझे इसकी प्रूनिंग ही करनी पड़ी। पत्ते ही जो है काफ़ी काले काले पड़ गए थे। तो इस तरह से कई बार आपके पौधों में हो जाता है, पत्ते ब्लैक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मिलीबग हो जाते हैं, तो उसको उस समय थोड़ा कटाई छटाई करना ही बेहतर होता है। दोस्तों, ये जो पाउडर पफ का पौधा है, पहले इसमें भी काफ़ी मिलीबग हो गए थे और पत्ते काफ़ी काले पड़ गए थे, क्योंकि काफ़ी दिनों तक मैं स्प्रे वगैरह नहीं कर पाया था व्यस्तता के कारण और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। तो बाद में मैंने इसको भी ऐसे ही प्रून कर दिया था, तो अब देखिए नए पत्ते भी आने लगे हैं और फूल भी खिलने लगे हैं। तो कुछ दिनों में जो पत्ते थोड़े बहुत पीले हो रहे हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो गुलाब का पौधा है, जो मिनिएचर गुलाब है, तो कई सारे मैंने फूल अभी कट कर दिए हैं जो सूख रहे थे, और धीरे धीरे अब फूल इसमें सूख रहे हैं, तो जो सूखते जाएंगे उनको मैं कट करता जाऊँगा। साथ ही जो सूखे हुए पत्ते वगैरह हैं जो अंदर गिरे हुए हैं, तो इनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर दोस्तों इसकी हम साफ़ सफाई नहीं करते हैं और सोचते हैं कि इससे यहाँ पर खाद बन जाएगी, तो इससे दोस्तों फंगस का अटैक आपके पौधों में हो सकता है। इसलिए अगर इन सब पत्तों से आपको खाद बनाना है तो अलग से बनाएं। इस तरह के जो भी पत्ते वगैरह हैं वो पौधों से बिल्कुल निकाल दे और पौधों को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखे। दोस्तों, अगर पौधे को आप साफ़ सुथरा रखेंगे तो देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे और फूल भी अच्छे से आएंगे। और जैसा आप देख ही रहे हैं, इसमें कितने सारे फूल हैं, और इसका यही रीज़न है कि मैं सूखे फूलों को हमेशा कट कर देता हूँ। और उसके अलावा ये देखिए, जो रेड कलर का मिनिएचर गुलाब है, तो इसमें भी फूल सूख रहे हैं, तो इसको भी मैं अभी कट कर दूंगा। और देखिए किस भाग से मैं कट कर रहा हूँ, जहाँ पर दो पत्ते हैं ठीक उसी के ऊपर से आपको कट कर देना है, बीच में से डंडी को कट नहीं करना है, और जो नए आपके ब्रांचेस निकल रहे हैं तो उनको कट नहीं करना है, बल्कि नए ब्रांचेस के जो ऊपर वाले भाग हैं, पुराने ब्रांच है तो उसको आप कट कर दें, और जो सूखे फूल है उससे कुछ नीचे से कट करें, जहाँ भी आपके लीव्स हो तो लीव्स से ठीक ऊपर से आपको कट करना है। तो इस तरीके से आप कट करेंगे तो उसके नीचे से बहुत सारे फिर नए नए ब्रांचेस निकलेंगे और पौधा काफ़ी बुशी हो जाएगा और फूल भी फिर बहुत ज़्यादा आएंगे। तो इस तरह से पौधों की प्रूनिंग बीच बीच में करते रहना चाहिए, इससे फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी रहती है। दोस्तों, ये है मोगरे का पौधा और ठीक इसमें भी उसी तरीके से हम प्रूनिंग करेंगे, दो पत्ते जहाँ से भी हो तो ठीक उन पत्तों के ऊपर से हमें कट कर देना है। ये जो ब्रांच है ज़्यादा नीचे था तो मैंने एकदम नीचे से कट कर दिया। तो पौधे को बहुत ज़्यादा बढ़ने ना दे गमले में, अगर आप काट छाट करके छोटा रखेंगे तो पौधा बहुत ज़्यादा बुशी होगा और जितने नए नए इसमें ब्रांचेस होगी तो उतनी ही इसमें फ्लावरिंग होगी। पुराने ब्रांचेस में इसमें फूल इतने नहीं आते हैं, इसलिए इनकी सफाई का भी पूरा ध्यान रखें और काट छाट करते रहें।
दोस्तों देखिए, जो पत्ते कटे फटे थे या बीच में कीड़े लगे हुए हैं, तो इस तरह के पत्तों को भी छाट छाट करके मैं निकाल रहा हूँ, क्योंकि यही से जो है बीमारियाँ भी फैलती है और पौधा देखने में भी फिर अच्छा नहीं लगता। दोस्तों ये है अपराजिता का पौधा, और अपराजिता में देखिए फूल आना शुरू हो गए हैं, लेकिन पौधे के जो क्रीपर हैं वो लंबी लंबी होने लगी है, तो थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से मुझे छटाई करने की ज़रूरत है। तो इसके जो लंबे क्रीपर हैं, तो एकदम आगे से अगर हम थोड़ा छटाई कर देंगे तो फिर बहुत ज़्यादा नहीं फैलेंगे, और इसके नीचे से फिर नई नई ब्रांचेस आ जाएगी। तो देखिए कहाँ से मैं इसको कट कर रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल आगे आगे से। और सबसे अच्छा तो यही है कि जिस समय फूल झड़ जाए तो उस समय आप एक बार इनके पूरे अच्छे से प्रूनिंग कर दें। तो अभी खैर फूल आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जहाँ से ज़्यादा बढ़ गया है क्रीपर, तो थोड़ा थोड़ा मैं कट कर दे रहा हूँ, जिससे उसके नीचे से और भी ब्रांचेस आ जाए। दोस्तों इसके बाद ये जो है जूही का फूल है, तो ये भी मोगरे की तरह ही होता है। ये है कि इसमें सिंगल पेटल्स होते हैं चारों तरफ से, और मोगरा पूरी तरह से भरा हुआ होता है, तो बहुत अच्छे फूल इसमें आते हैं। तो इसके भी जो है प्रूनिंग का टाइम आ गया है, क्योंकि इसमें भी क्रीपर होती है, और चूंकि पौधे को गमले में मुझे बुशी रखना है, तो इसके लिए मैं देखिए कहाँ से कट कर रहा हूँ, नीचे से। देखिए नए नए इसमें ब्रांचेज आना शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ से मैं कट करूँगा तो ठीक जो है इसके नीचे से ब्रांचेस और भी निकलेगी। तो इस तरह से ये जो पौधा है काफ़ी बुशी हो जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से चारों तरफ से आपको गोलाई में कट करना है, और बिल्कुल देखिए किस तरह से दो पत्तों के ठीक ऊपर से मैं कट कर रहा हूँ। और यही रूल सभी पौधों में लागू होता है लगभग लगभग, जैसे गुलाब में मैंने किया था, इसके अलावा मोगरे में किया था, और इसमें भी मैंने कर दिया। दोस्तों देखिए कितने अच्छे फूल खिल रहे हैं यहाँ पर, नीले नीले गोमफ्राना के, बिल्कुल पर्पल कलर में हैं। और उधर जो है मेरा हिबिस्कस गार्डन है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो बालसम के पौधे हैं, तो इसमें भी काफ़ी पत्ते जो है सूखते रहते हैं, पत्ते पीले होते रहते हैं, तो इनकी सफाई भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनकी सफाई का ध्यान रखेंगे तो जो फंगस प्रॉब्लम है उसकी संभावना कम रहेगी, और सड़ गल के जो पत्ते इसके साथ चिपक जाते हैं वो नहीं चिपकेंगे, और पौधा जब तक फूल नहीं भी आता है तब तक हरा भरा देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो अपने इन पौधों की साफ़ सफाई का हमेशा ध्यान रखें, और इस तरीके से एक एक पत्ते को आप चुन चुन करके निकाल दें। ऐसे भी जो पत्ते थोड़े बहुत पीले हो रहे हैं, उनको पीला होना ही है, तो उनको बेहतर है आप पहले से निकाल दें, तो पौधे जो है देखने में बहुत ही सुंदर लगेंगे। दोस्तों ये जो पौधा देख रहे हैं, इसको क्रेप जिंजर या स्पाइरल जिंजर कहते हैं, और इसमें देखिए फ्लावरिंग होती रहती है और उसके बाद ये सूख जाते हैं। तो सूखे हुए फूलों को इस तरीके से निकाल दें तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। नीचे जो सूखे हुए भाग को अगर आप निकालते हैं तो उसके पीछे का जो भाग होता है बिल्कुल रेड कलर में होता है, और वही रेड कलर देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, और किसी भी तरह से फ्लावर की खूबसूरती से कम नहीं लगता। देखिए यहाँ पर एक भी फ्लावर नहीं है, लेकिन ये जो रेड कलर में है फ्लावर के पीछे का हिस्सा, वो सभी रह गए हैं, और बहुत ही अच्छा बिल्कुल फ्लावर की तरह ये लगता है, और काफ़ी दिनों तक इसी तरीके से बना हुआ रहता है। दोस्तों चलिए इसके बाद थोड़ा सा और आगे की ओर चलते हैं, और अपने जो गुड़हल का गार्डन है तो वहाँ पर चलते हैं, और इनकी साफ़ सफाई मैं कैसे करता हूँ तो वो भी चलिए देखते हैं। दोस्तों देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल आए हुए हैं, और कई सारे फूल आए हुए हैं एक साथ। इस पौधे से सूखे फूल मैंने पहले ही निकाल दिया था, लेकिन नीचे जो है कुछ घास फूस उग आई है, तो उसको जो है मुझे साफ करना है। तो इस तरह के जब छोटे छोटे ही घास फूस रहे तो तुरंत से आप उसको साफ कर दीजिएगा, इससे जो एनर्जी है वो
सीधे पौधों में जाएगी और घास फूस में जो भी मिट्टी की एनर्जी है वो नहीं जाएगी। साथ ही जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस नीचे से अभी निकल रही है तो इसको भी हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि नीचे मुझे ब्रांच को नहीं रखना है, केवल नीचे से एक ही जो स्टैम्प है वो जाएगी और ऊपर से पौधा गोलाई में झाड़ीनुमा मुझे बनाना है। तो ऐसे में मैं नीचे के जितने भी छोटे छोटे स्टैम्प और आ रहे हैं या ब्रांचेस आ रहे हैं तो उसको मैं इस तरह से तोड़ दूंगा ताकि नीचे बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे और निराई गुड़ाई अच्छे से हो सके, साथ ही पौधों में जो है धूप अच्छे से लग सके। तो इस तरीके से सभी पौधों में जो भी है साफ़ सफाई का आपको ध्यान रखना है, कहीं भी कोई घास उगने नहीं देना है। ये जो पौधा है देखिए कितना सुंदर लग रहा है खिला हुआ ये गुड़हल, और कलियां भी खूब इसमें आई हुई है, और इसमें जो भी पीले पत्ते हैं इनको साफ़ करने की ज़रूरत है। तो एक दो पीले पत्ते जैसे ही आपको दिखाई दे तुरंत से आप उसे साफ़ कर दें, या कोई पत्ता अगर मुड़ रहा हो या जिसका कलर ख़राब हो रहा हो तो निश्चित जान लीजिए कि कीड़ों का या वायरस का अटैक उस पर हुआ है। तो ऐसे में उस पत्ते को तोड़ दें और साथ ही जो है पौधे को ट्रीटमेंट भी करें, थोड़ा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी ज़रूरत होती है ऐसे में पौधों को, तो उसको भी अगर आप दे दें तो बेटर रहता है। देखिए कितने छोटे गमले में ये फूल खिल रहा है और छोटा सा पौधा है, और कई लोग दोस्तों सोचते हैं कि छोटे गमले में फूल नहीं खिलते, लेकिन बिल्कुल ये उल्टा होता है। जब पौधा छोटा होता है तो छोटे गमले में ही रहना चाहिए, तभी उसमें फूल ज़्यादा आते हैं। अगर आप छोटे पौधे को बड़े गमले में शिफ्ट कर देंगे तो उसमें फ्लावरिंग आने में काफ़ी टाइम लगेगा। दोस्तों ये और एक गुड़हल है, और देखिए ये जो डंडिया है वो रह गई थी, फूल ऊपर से अपने आप सूख करके गिर गए थे, तो जितने भी डंडिया हैं इनको भी आप हटा दें, क्योंकि ये डंडिया धीरे धीरे पीले पड़ के गिर जाएंगे, तो इससे बेटर है आप पहले से ही हटा दें। पौधा देखने में साफ़ सुथरा रहेगा और जो एनर्जी है वो सीधे सीधे फूलों को और नए नए पत्तों को और ब्रांचेस को बनने में जाएगी। जो भी कर्ली लीव्स इसमें हो रही है उसको तुरंत से आप तोड़ दें, और बीच बीच में जो स्प्रे है वो भी करते रहें, तो इससे जो भी बीमारियां हैं पौधों में वो कम हो जाएगी। देखिए कितने ताज़े ताज़े और सुंदर फूल लग रहे हैं, और ये शाम का वक्त है और सुबह ये फूल खिला था और शाम को भी बिल्कुल वैसे ही ताज़ा बने हुए हैं। तो जो भी पीले पत्ते हैं कभी भी आप इनके जड़ों के पास रहने ना दें, हमेशा ही साफ करके रखें। देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है, और पास में ये पिंक कलर का देखिए पूरा भरा हुआ फ्लावर है, और इसमें सूख भी रहे हैं किनारे वाले फ्लावर, तो इसको हटाना ज़रूरी है। अगर हम इन फूलों को नहीं हटाते हैं तो जो किनारे कलियां नई नई बन रही हैं तो उसमें भी फूल बनने में ज़्यादा देर लगता है, और साथ ही ये फूल सड़ते रहते हैं तो वहाँ से बीमारियों का अटैक होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए जैसे ही आपको लगे कि फूल सूख गए हैं तो उनको तुरंत से आप हटा दें। दोस्तों अगर पौधों में नए पत्ते पीले पड़ रहे हों तो इसका मतलब है पानी ज़्यादा हो रहा है और उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी कमी हो रही है, तो ऐसे में आप पानी थोड़ा कम डालें और पौधे बिल्कुल गीला ना रहे, उसमें हल्की नमी बनी रहे, पानी सूखने पर ही पानी डालें, और इसके अलावा कोई ना कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट का छिड़काव भी पौधों में अवश्य कर दें। इसके अलावा जो दोस्तों बैलेंस एनपीके है, यानी कि जो एनपीके 19-19-19 या 20-20-20 है, तो उसको भी आप 2 ग्राम लेकर के 1 लीटर पानी में घोल करके उसका स्प्रे अपने पौधों में कर दें, तो इससे काफ़ी हद तक आपके पौधों के जो पत्ते हैं वो ठीक हो जाएंगे और नए पत्तों में हरियाली बनी हुई रहेगी। दोस्तों ये जो भी सूखे फूल है उनको मैं हर तरफ से तोड़ता जा रहा हूँ, और इस तरीके से साफ़ सफाई आपको करनी है, अपने हर एक पौधे का ध्यान रखना है। और दोस्तों ये काम चलते फिरते होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक दिन ही आपको इसके लिए समय देना है,
अगर आप रोजाना थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो ये काम आपको काफ़ी आसान लगेगा। देखिए दोस्तों, कितना सुंदर गुड़हल का फूल खिला हुआ है और बहुत ही छोटे से पॉट में, पॉट नहीं बल्कि ये एक बॉटल है जो ऑयल का बॉटल होता है और उसमें ही ये लगा हुआ है। देखिए दोस्तों, जो ये पौधा है कहाँ से शुरू हुआ है और बॉटल कितनी छोटी है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग लगातार हो रही है। देखिए ये जो मैं डंडिया तोड़ रहा हूँ, यहाँ पर फ्लावर थे कल परसों, तो हमेशा ऐसे ही फ्लावर एक के बाद एक खिलते रहते हैं। तो इस तरह से एक छोटे से बॉटल में मैंने इनको लगाया है जो कि तेल का बॉटल है, और नीचे से जो घास फूस है वो उगाए हैं काफ़ी, तो उसको साफ सफाई करना, इस तरह से निकालना बहुत ज़रूरी है। तो पौधे की मिट्टी जब नरम हो या जब आप पानी दें तो उसके कुछ समय बाद जो है इसको निकालेंगे हाथ से, तो बड़ी आसानी से जड़ों समेत ये निकल करके आ जाएंगे। और उसके बाद आप थोड़ा सा अगर निराई गुड़ाई कर देंगे कोई छुरी या चाकू की मदद से, तो बहुत अच्छा जो आपका पौधा है वो ग्रो करेगा, क्योंकि इनको पूरी तरह से हवा और धूप मिल पाएगी। दोस्तों, इस तरह के बॉटल में भी आप लगा सकते हैं, बशर्ते नीचे से आप कुछ होल अवश्य कर लें। और देखिए दोस्तों, किस तरह से मैंने दो बॉटल को आपस में इस खम्भे के सहारे बांध दिया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर ये भी। और पूरा जो गुड़हल का गार्डन है वो यहाँ पर है, और इसके अलावा बाकी का एरिया जो है छत का ये रहा, और इसमें भी कई जगह और भी मुझे सफाई करनी है। तो धीरे धीरे आगे चलते हैं। ये जो एलमोंड का पौधा देख रहे हैं आप इसके पास, और इसमें रोज़ाना फूल खिलते रहते हैं और अपने आप खिल करके ये गिर भी जाते हैं जैसे फूल सूख जाते हैं। तो जैसे ये फूल सूख रहा है तो तुरंत मेरे हाथ लगाते ही नीचे आ गया, और इसके अलावा जब ये फूल नीचे आ जाए तो इस तरह की जो डंडियाँ हैं फूलों के पीछे का हिस्सा वो रह जाता है, तो इनको भी आप तुरंत जो है उंगलियों के हेल्प से एकदम से कट कर दें, तो पौधे में जो साफ सफाई है वो बनी रहेगी और उसके अंदर जो है कीड़े मकोड़े नहीं पनपेंगे। साथ ही देखिए, मैंने नीचे निराई गुड़ाई भी कर दिया है और जो ऊपरी जड़ है वो भी कट गई है, तो इससे जो है पौधों में हवा अच्छी लगती है। ऊपरी जड़ें अगर हल्की फुल्की कटती है तो ये पौधों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। दोस्तों देखिए, जो रेन लिली है वो भी खिल रहे हैं और इसमें कुछ घास फूस जो है हो गए हैं, तो इसको भी मैं निकाल लूँगा। तो जैसे ही आपके कम घास फूस हो तो उसी समय अगर आप थोड़ा सा निकाल देंगे तो कभी भी ये बढ़ेंगे नहीं, और चूँकि एक बार अगर ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हमें निकालने में भी फिर दिक्कत होती है, और घास फूस को हम फिर हाथ या उंगलियों के सहारे नहीं निकाल सकते, और अगर हम खुरपी का यूज़ तब करते हैं तो पौधों को भी इससे नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरह से यहाँ जो वाइट रेन लिली है वो भी खिल रहे हैं और बहुत सारी कलियाँ भी रेडी हैं, तो इसमें भी जो भी सूखे फूल हैं उसकी डंडियाँ हैं उनको आप तोड़ दें, और जो पत्ते सूख गए हैं तो सूखे हुए भाग को आप तोड़ दें, तो देखने में पौधा काफ़ी अच्छा साफ सुथरा लगेगा। तो देखिए, दोनों ही जो रेन लिली है बहुत अच्छे से इस समय गार्डन में खिल रहे हैं। दोस्तों, ये है मैक्सिकन पेटूनिया का पौधा, और कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन लगातार फ्लावरिंग होने से अब जो इनकी ब्रांचेज है बहुत सख्त हो गई है, और ऊपर जो है अब बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कम हो रही है। तो इसके लिए अब मुझे ये करना पड़ेगा, कुछ हद तक मुझे इसकी प्रूनिंग करनी पड़ेगी जिससे कि नई ब्रांचेज इसमें आ जाए और नए ब्रांचेज में फिर से जो फ्लावरिंग है वो काफ़ी अच्छे से होगी। तो इस समय जो है मैं इसकी थोड़ी प्रूनिंग कर दूंगा, क्योंकि इस समय दो चार फूल जो है डेली आ रहे हैं जबकि ये पूरा भरा हुआ रहता है। और दोस्तों, ये जो प्रूनिंग है आप ऐसे समय में करें जबकि मौसम बादलों वाला हो या बारिश का दिन हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि सीधी सीधी धूप फिर इसमें नहीं पड़ती, और प्रूनिंग के बाद जो है इन सब के सफाई की बारी है, क्योंकि सभी पौधों को मैंने साफ़ कर दिया है, प्रून कर दिया है,
सूखे पत्ते और कीड़े जो लगे हुए पत्ते थे तो उनको निकाल दिया है, पीले पत्ते को भी निकाल दिया, घास फूस को भी निकाल दिया। तो इन सब को अब इकट्ठा करने की बारी है, तो इस तरह से झाड़ू से आप इकट्ठा करके इनको कलेक्ट कर ले। कभी भी इस तरह से फैला हुआ गार्डन में ना रहने दे, देखने में भी बहुत बुरा लगता है। और अगर अचानक से बारिश आ गई तो ऐसे में ये जो घास फूस या ये जो कूड़ा करकट है तो आपके जो ड्रेनेज पाइप है वहाँ भी जा कर के फंस सकता है। तो देखिए दोस्तों, अब कितना साफ़ सुथरा और प्यारा लग रहा है गार्डन इस सफाई के बाद। और बिल्कुल फूल कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ आकर के मन बिल्कुल खुश हो जाता है। तो अब जो है, जो भी कूड़ा करकट मैंने इकट्ठा किया है तो उसका करना क्या है, तो देखिए उसको मैं क्या करता हूँ। पहले तो मैंने इस बाल्टी में सभी कूड़ा करकट को इकट्ठा कर लिया, झाड़ू के हेल्प से उसको इकट्ठा करके उसको इस बाल्टी में डाल दिया। अब इस कूड़े करकट को मैं इस तरीके से मैनेज करता हूँ कि गार्डन के एक कॉर्नर में जहाँ की अधिकतर समय छाया बना हुआ रहता है, तो यहाँ पर एक ड्रम मैंने रखा है और ड्रम के अंदर कुछ पानी डाल दिया था। और जो भी कूड़ा करकट है गार्डन का, डेली जो फूल निकलते हैं सड़े हुए या जो पत्ते होते हैं, घास फूस होते हैं, तो उनको मैं इसके अंदर डालता रहता हूँ और एक डंडे के हेल्प से इसको इस तरह से हिला देता हूँ। तो पानी के कांटेक्ट में जब ये आते हैं तो बहुत जल्दी सड़ने लगते हैं, और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इनको हिलाने की ज़रूरत पड़ती है, इस तरह से दबाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पानी में रहने से ये जो कूड़ा करकट है ये ऊपर आ जाते हैं, फूल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप डंडे से अंदर की ओर दबा देंगे तो फिर से वो नीचे चले जाएंगे। तो ये जितना भी कूड़ा करकट है तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालूँगा और ये सारा कूड़ा जो है इसी में मैनेज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने कूड़े करकट को मैनेज कर सकते हैं, और यही चीज़ जो है आपके लिए अच्छा खाद बन जाएगी। और जो पानी इस ड्रम में है तो यहाँ से ये पानी आप बीच बीच में से जग से उठा करके और उसको ज़्यादा पानी के साथ मिला करके आप उस पानी को भी अपने पौधों में दे सकते हैं। तो मैं भी यही करता हूँ, एक जग पानी यहाँ से निकाल लेता हूँ, लगभग एक बाल्टी पानी के साथ उसको मिला देता हूँ और उस पानी को भी अपने पौधों में डालता रहता हूँ। और पानी अगर कम हो जाता है तो थोड़ा पानी और डाल देता हूँ। तो इस तरीके से कूड़ा भी मैनेज होता है और ये कूड़ा बाद में फिर सॉलिड खाद भी बन जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों, आज का जो ये एपिसोड है तो आपको बहुत पसंद आया होगा। और जो भी कूड़ा करकट है उसका मैनेज आप कैसे करेंगे, पूरे गार्डन की साफ सफाई कैसे रखेंगे, प्रूनिंग कैसे करेंगे, सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अगले अंक को भी इसी चाप के साथ देखेंगे, आज के इस अंक को यहीं समाप्त करते हैं। अपने दोस्त असीमानंद सर को दीजिए विदा, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक देखते रहिए हमारी बगिया।